लाइक जाना मिले अरे बाबू एकदम आए पार्वती भगवान भोलेनाथ कहीं बाबू रहो तरी हियावा तरी हियावा एक बात हमार सुना भोलेनाथ स्वचनाथ पार्वती हमका बुलावत है बड़े चोराए के बुलावत अब बड़ा तू लड़ाई के बुलावत है कोनो मामला जरूर हुई भोलेनाथ कहीं कहीं बोला पार्वती बोला 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 जल्दी अरे कहे बड़े बुलाऊ पार्वती हाथ जोड़े कहीं बाबू तो क्या यहाँ पर बुलाए अगर हमारे एक बात मान जाता तो सोने में सुहागा हो जाए भोलेनाथ कह एक बात तो हार मान जाए सोने में सुहागा हो जाए कह हाँ स्वामी कह देखा पार्वती अगर बात माने जाए हो तब हम माना और ना माने जाए हो तो ना माना कह बोल जा बोल जा माई पार्वती कहें भोलेनाथ अगर भांग धतूरा तू छोड़ देते है अच्छा भान भतूरा अगर छोड़ देता तो हमारे आत्मा का बड़ा संतुष्टि मिल जा जो हम भान घोटर घोटत हमारे कलाई पियाई आ गया था कम से कम ऐसे तो हमारे छुटकारा मिल जाए यहाँ सुने वाले बाबूजी भगवान भोलेनाथ कहें देखा पार्वती छोड़े तो हम छोड़ दे लेकिन बिना भान धतूरा का हमारे मूड मिजाज बनत भाई प्रिंसिपल साहब बजाओ आप हमारे डॉक्टर मन्नीलाल यादव हमारे गांव के उनका मित्र राजेंद्र यादव सिठौली की धरती से 51 रुपया माई भगवती कल्याण करनी अरे कहा लू तो छोड़ देगी गांजा यू खान हो
पूजनीय बाबू डॉक्टर बेला सिंह यादव जी, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड और 700 लाख से क्या बात है, 100 रुपए का आशीर्वाद, बड़ा जाना पहचाना नाम है और बहुत सुंदर छवि है आपकी, 100 रुपया मैं भगवती भंडार भर रहा दोस्त, कहना क्या? चलो तपस्या करे के पड़ी। एक लाइन गजल कंदार में बिघा बड़ा छटके में जाए मर साहब। चलो गीत को स्वर्गीय बिरहा सम्राट आनी जनाब महरूम हैदर अली जुगनू जी अपने जवानी में गाया करते थे और उनके शिष्य जनाब हफीज चंचल साहब भी बड़ा लहराए के गीत गाए मास्टर साहब। जो हैदर अली न हो पाए दोस्त, चाहे अपन कितना कोशिश लगा ले मास्टर साहब, लेकिन नकल की जा सकती है लेकिन बराबरी नहीं की जा सकती। क्या करते थे क्या? भंडार भर रहा है
एक मोबाइल बैलेंस करा को फोन में बतियाया। हां अरे यार आजकल बड़ा फोन लोगन के बीच चल रहा है, कहना है क्या आए हर बार बुढ़वा बाबू लाल पगड़ी वाले बाबू हर बार अरे हर बार तो प्यार था हो लड़का सारे चटनी तरसत रहे ऐसी औकात एकदम फिट बाने तो अंगुरिया गड़बड़ हो
वार्ड से लड़ब हम जिला पंचायत लड़ब हम विधायक लड़ब हम प्रधानी लड़ब अरे बाबू वैसे राजा बनी पार्टियां लिखवाए लिख टंगाई धन के काल से राजा बलि के बाजार में मीना बाजार लागे जेकर सौदा बिकाए जाए तो ठीक आ जौने व्यापारी के सौदा ना बिकाए हम ओका उचित दाम दे के समझा की ओकर सौदा हम खरीद जैसी ओका कौनो नुकसान ए पंचो बात बुढ़वा के काने तक पहुंची बूढ़े का अंतिम समय चल रहा है घरे में बड़ी गरीबी बा पंचो घरे में बड़ी गरीबी बा बुढ़वा सुलेश के काल से राजा बलि के दरबार में मीना बाजार लागे जेकर सौदा बिकाई जाए ठीक बा आ जेकर न बिकाए राजा उचित दाम देख सौदा खरीद ले ही तो बुढ़वा अपने चारों बेटवा को बुलाए कैसे बेटो इधर आओ यार चारों लड़कियों कहे बाबू एकदम मरवासन की स्थिति में है यार हमका चारों जने को बुलावत है जरूर प्रभु बात बाबू जी गौर करिएगा बुढ़वा बुलाए कहे बाबू बोला कहे बोला कहे बेटवा हमारा अंतिम समय चलत बा हमार मृत्यु कब हो जाए कौनो भरोसा कहे बेटवा जौने दिन हम मर जा कहे तो बाबू कहन हमार लाश बोरा में भर के ले जाया और राजा बलि के दरबार में भेजे लड़कियों चारों कहन बाबू तू पगला गया कि हम लोग पगला गया अरे क्यों मुर्दा खरीदी बाबू बुढ़वा डाल दस कस तुम्हारे की वजह से आज से खरी गरीबी नहीं दूर हो पाया ध्यान से मेरी बात सुनो कहन राजा पाटिया जी के टंगवाए हैं कि जेकर सौदा बिकाए जाए ठीक बा जेकर ना बिकाए हम ओकर उचित दाम दे के कहें तुम्हें जब सौदा ले जाबत बिकाई है कि नहीं तो चाहो इतना दाम मांग लें कि घरे के गरीबी जबर खुशी हो गए कहें यार बाबू मरत मरत बढ़िया दिमाग बताओ थे वक्त गुजरता गया बाबू एक दिन बुढ़वा दुनिया को प्यारा हो गया चारों बेटवा बाबू का लहास परम गोरम और मीना बाजार में लेके चल चलिए गौर करिएगा नून तमाकू अदरक धनिया आलू टमाटर सब खरीदा था पंचव के मुर्दा खरीदी ने और चारों अपने बाबू को लहास गोरम था कि चारों मुड़े बाहर थे इच्छा है कौनों कहा की लागत तो पंचव मुर्दा खरीदी ने रात हो गई समय में मंत्री आए कहा सब सौदा बिकाए तुम्हार का ले आवे अरे का बेचत हा कह भाई साहब चौदह सौदा हमार बड़ा चमचक है कहें तो दिखावा कहें हटवाए के बकर ना है बड़ा गोरा खोल के जब बाबू अपने लाश पर आए वहां मंत्री वा उछल बोला तो हाय महाराज की बाप रे बाप हम मुर्दा बेचे आई है कहने मंत्रीवर राजा को बुला लाओ ये मुर्दा राजा है उन पाटिया की कटनवाए है जेकर सौदा ना बिकाए हम उचित दाम दे के हमारे बाबू मर गए लेकिन इनकर कीमत अब कम नहीं हो गया आप बाबू धर्मपाल यादव जी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भावी जिला पंचायत प्रत्याशी एक सौ रुपए का आशीर्वाद बाबू धर्मपाल जी के चरणों में प्रणाम है मैं भगवती ग्रह आप जिला पंचायत हो गया बाबू राजा मंत्री राजा बलि बुलाए दिया है कहें माधोहाई महाराज बाजार बड़ी गड़बड़ी कहें काब कहें चाट थी एक मुर्दा बेचे आए हैं हमारे इलाहाबाद प्रयागराज खाटी धो जगत मास्टर अरे हाय हाय हाय
ये हमारे रिश्तेदार बदल कुरान की धरती से क्यों रुपया पौ दो प्राण बा का करिएगा मार साहब क्या आप बाबू रामचंद्र यादव हंडिया की धरती से 23 रुपया पाऊंगा की आशीर्वाद इन गौर करिएगा क्या अरे पिताया ये मुर्दा अरे पिताया ये मुर्दा राजा कई बात तमाकुल धनिया टमाटर आलू मिर्चा कला हम कुछ न ले राजा सोचे यार हम तो अपने बात में कह ठीक बगर सौदा ले आई हा तो एकर कीमत बतावा चारों आपस में फुसफुसाए लगे कहें रे बाबू कहे है कि इतना दाम मांग लिया खड़े गरीबी अरे राजा पाली कहे करता मारा बतावा विश्वास रखो पहले बोले को खोलो जब बोरा खोले बाबूजी
मुर्दा देखा चमत्कार भार धीरे धीरे खसकत आगे आए। पारा सुर हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब क्या ऐसी बहुमूल्य बात है जो आप बताएंगे मेरे जीवन में काम आएगी। अरे यार हारन न बजाओ भाई साहब, आराम से बुलाइए फोन के लिए। इतने में मुर्दा कहता है कि बाणा सुर आज की रात, वह समय बात है, आज की रात अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेमा लाप करोगी तो तुम्हारे सोने के पिटवा हो। बाणा सुर लगा हंसे, कहे मुर्दा तू बात जरूर बोला था लेकिन बात गड़बड़ बकन का है। कहन तू नहीं हमार हिया है ये नहीं है, तू नहीं है हमार अपने नहीं हले बा, जब हमार ओकर मिलन होएगे तो सोने का बटवा होए कैसे। तेरी कलाई है कभी मास्टर साहब। अरे लाला कैसे सोने का होई, अरे लाला कैसे सोने का होई, एक क्या बाबू कौन बाबू कौन बा
पंचायत बाणावती के दरवाजा खटखटाए बाणासुर बाणावती सोचे आधी रात के हम दरवाजा के खटखटावत बा दरवाजा खोल कर बाहर जब आती है तेरे स्वामी आप इतनी रात को बाणासुर हाथ जोड़ के कहा चुप 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 आवाज तेजी ना हो बापों 20,000 स्वर्ण मुद्रा में एक मुर्दा खरीदे आधी रात की हमसे कहा कि आज की रात अगर आप अपनी पत्नी से प्रेमालाप करोगे सोने की पिटवा हुई हमका पीठी बैठा लिया है और मुर्दा व विराजमान बा और समय आधी रात बाकी है आधी रात बाकी बा हमारा और आपका मिलन बहुत जरूरी है मानवती और अगर आज प्रेमालाप हो जाए तो हमारे सोने पिटवा हुई लोग कहीं यार बाड़ा सुन सोने के पिटवा बाबू जी इतनी बात सुन के बाणावती बड़ी प्रसन्न हुई जिस तरीके से एक पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा पवित्र संबंध होता है बाबू जी बाणावती और बाणासुर प्रेमालाप में लीन हो गए इधर मुर्दवा हुई टपका बदुआ हुई मास्टर साहब इतने में बाणावती के बाबू जी के एक मंत्री की नींद खुली मंत्री वा सोचे दिया हुआ जला सोचे देख ले कोनो चोर चहर तो नहीं आई है बाबू क्या है यार सीटी का है हेलो अरे बाबू कौन करिएगा आप सब मंत्रीवा देखा उठे बारी लेके बाबू जी धीरे धीरे हुए पहुंचे जहां मुर्दवा हुई टपक के जब ढेबारी के दिया क्या जोर से देखे इसके सर पाप रे बाप कौन सरवा इतनी रहती है कि ये मुर्दा फेंक भाग जरूर कोई दुश्मनी बस यहाँ फेंक कर चला गया है शोर गोल करने लगा और मंत्री मंत्री जाके कह क्या हुआ कह भाई साहब कहानी के मुर्दा फेंक भाग कब कह यार शोर गोल करे जरूरत नहीं लकड़ी लिया हुआ यही सरवा फूक दी जाए गौर करिएगा क्लाइंट ठीक लगे बका चौथी बार 100 रुपए का आशीर्वाद चरणों में प्रणाम है नमन है बाबू जी मंत्रीवन लपटिया का मुर्दवा हुई फूक दे कह चला सर्वचन के चला सोवा जाए और इतने में धीरे धीरे बाबू जब सुबह का वक्त हुआ एड़ के सुबह का वक्त हुआ अब फोर के बेला में जब टाइम मुहिम देखे बाणासुर कहस की अब चली मुर्दवा बहरवा होली हम करे पिठिया पड़ जा वो हमका हमारे घरे प्रेमालाप करके जब बाबू जी कमरे से बाहर निकला देखे तो मुर्दा सोचने लगा बाणासुर ये मेरे साथ कैसी घटना
खरीदे आखिरी रात की कहा कि आज अपनी पत्नी से प्रेमा लाभ करोगे सोने के बेटवा हुई हमका पीठी बैठा है ससुराली ले आया है और मैं क्या देख रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। सोचते सोचते बारह सुर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अगर आपको मानसिक संतुलन अगर कितनी घटना हो जाए बिगड़ जाए पागल हो गया पैदल ही अपने घर चलते राजा बलि के पास गया बाप पूछा था नौ पटवा बारह सुर दांड गबंड बोल और बटवा का हाल का फटल है। बलि सोचे मेरे बाप रे बाप पिटंगा काल सजवा तक सही रही रखिया भरल कैसे पागल है कहीं क्यों प्रजा जाने न पावे एक पागल खाने बंद कराई दे और कोनो बैठ डॉक्टर बुलाए दवाई करावत रही नहीं हल्ला हो जाए यार कि राजा बलि पिटंगा बड़ा सुर पागल है बंद करवा दिए गौर करिएगा बाबू जी इधर पारावती के पेट में बड़ा सुर कांस पलने लगा। धीरे धीरे बाबू चार पांच महीना बीता शरीर वरीर रोकर लगी पियरा जब शरीर वरीर पियराया पारावती के पिताजी की नजर पड़ती है गेरे पिटिया का पिया करे पे गौना नदी ने कर ही हालत चरों ने हमारे मोमेंट का लिख लगा दी। राजा अपनी बिटिया पारावती को बुलाते हैं बिटिया इधर आओ। हाँ बाबू जी। अरे बेटी मैंने तुम्हारी शादी की अभी गौना नहीं दिया मतलब ये तुम्हारी शरीर नालायक तुमने मेरे मुंह में काली लगा दिया तुमने मेरे मुंह में काली लगा दिया। पारावती रोने लगी ना बाबू जी ना बाबू जी एक दिन आपके दामाद जी का आगमन हुआ था बाबू जी राजा बिगड़ गए कि मेरा दामाद राजकुमार और मेरे सभी एक राजा राजा बलि हमार दामाद अब जब हमका पता है चल तुम जरूर झूठ बोल रहे हो भाग जाओ आज से इस दरवाजे पर कदम नहीं पड़ेगा तुम्हारा। एक लाइन हमारे काका राम कैलाश के थ्रू लगे थे मास्टर साहब आप क्या बात है सिर पूछ पर और दाढ़ी मूछा ई मूछा अजहरा से एक कैसे होता बहुत ब्राह्मण बहुत होता आप मधुबन यादव बाबू जी पता नहीं पूरा की धरती से ई इक्यावन रुपया बहुत ब्राह्मण आप बाबू गुलाब यादव फतेह की धरती से एक कैसे चौने लॉकडाउन में दे देता भाई साहब ये बड़ी एक बात बा आशीर्वाद है ये बहुत बहुत धन्यवाद कौन करिएगा दादा के अखाड़े का हमारे चाचा है ये मोती चाचा बहुत अच्छा गवैया दादा राम कैलाश के अखाड़े का है अब अभी आप सब देखे अभी हम देखे बाबू जी दादा के गीत लगन मुखा चित्त बच्चे बाबूजी ना बाबूजी ना
परम पूजनीय बाबू भोलानाथ जी स्वयं में आशीर्वाद चरणों में प्रणाम है नमन है। इसको हम सोना गाए है, प्रीति पाल गाए है, रीना साहनी एक बार आए रही बनारस से और पहले नौकरी करत रहे हमर गाँव हमारे काका के ससुराल में प्रकाश भगवान के न्यूरो को भाई से है 500 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत महान बा। आप
बाबू रामदीन और राम बाबू भैया, आपका नाम है भगवान प्रणाम राम, ये क्या रुपया खूब तरक्की करा माई भगवती भंडार भाई है। अरे बाबू नीचे वाली कक्षिया ये कहा यार ये अगर नेग चार ना मिली सब किया हम 10 दिन नीचे गए लेकिन हमने 15 दिन सोना सब पका लेता नहीं ये तनी अगर सोने कमाई हमका मिली जाए तो तना हो जाए 15 दिन बाबू। एक दिन बीता दो दिन बीता तीन दिन बीता एक मैं सोचे कि नीचे वाली बुलाई थी देखी हमारे पेटौना सही नीचे की भिखारी बारावती पेटौना की ए पंचाओ जब महाजाइन के पटवा का नीचे सोते शरीर से हमारी आप तरह मैली करी और जब बारावती के पटवा के लकी नीचे बाबू जी आप नाचल भैया के लकी मारिस अरे सरिया सोना छड़े सोनवा का काम करे जब कठिया खोसे ला तो महाजाइनिया देखी हमारा लड़का कंधार पर भिखारी करके तो कब माखन बा तो कब मई गठिया होती है ए पंचव नीचे वाली हड़बड़ाए के कहे महाजाई नाराज रहा तोरे पटौना के निजी तहारी या पितरा मई करा था और भिखारी के पटौना के निजी थी ते करे सरिया सोना चरा था महाजाइनिया एकदम हक्का पक्का हो अगर आज खाए पी को लड़ाई जब सो जाए तो हम अपन लड़किया डर के एक सोने वाला लड़किया आप बाबू राम बाबू बिरहा गायक कलाकार अच्छा थौरहरा कटारा की धरती से चरणों में कोट कोट प्रणाम है नाम है कलाकार अच्छा नहीं होता आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम दुलार बना रहे दोस्त और प्रेम दुलार इसे बरकरार रहा जहाँ विराग गावत बजावत रहा महफिल में हमने कवि जी के अच्छा अच्छा बहुत बहुत प्रणाम बा अभी खान गाने से खान गान चला और बहुत प्रणाम एक स्वर में सब सफल पंच के पहले ही प्रणाम गौर कर लिया जवान नवा रोटी बना बापू जी पाया वती फैस महाजनियो फैस पाया वती कमो संकट बा नहीं लड़किया बाबू जी लड़के हो लड़के और नींद आ गई अब महाजनिया खेती से झाकर बनी सोए तो हम लड़के अदली बदली पंचो जब पारावती सोए गई महाजनिया जान गए कि अब पारावती के भरपूर नींद आगे बा कई अपन लड़किया उलाड़ के चुप्पे से पारावती वाला लड़किया लेके खिलावे जा जब लड़का या दली बदली भाई तो लड़कवन लगे चिल्लाए जब चिल्लाए लगे पारावती चली अरे मुन्ना अरे बुआ कह रो है देखत बा तो अरे महाजाइन अरे हम अपन बेटवा देंगे हमार बेटवा ले गई हूँ महाजाइन ये भिकरम सब बोल कौन यार दली रात की चिल्लात बा करे के आते अरे महाजाइन हाँ भाई महाजाइन हमार बेटवा तू लेके अपन बढ़वाने दो महाजनिया कहे है या नेकी के जमाने नहीं बा इनका रहा है का ठिकाना तो दिन तो हमारे के चोरी लगा होते भाग जावे घर से हे पंचम सोनारी ने अपन बटवा दे के पारावती के सोने वाला लड़का ले के लकी खिलावे महाजनो खुश बकरे ते खुशियां लिया अगर तय हबे तो हमारी गृहस्थी और मजबूत हो जाए बाबू पारावती रोते बिलखते अपने ससुराल पहुंचती है तू मिनट गाना और बचा बात अपने ससुराल पहुंची उसको पता नहीं है कि हमारा ससुराल राजा बलि सिंहासन पर बैठा है और नजर पड़ती है कि ये कौरव गोद में बच्चा लिए रोती चली जा रही है ए बेटी इधर आओ बेटी इधर आओ पारावती दौड़ गए कहा बड़ी भूख लगी बड़ी राजा को महल आटे चल खाई राजा खिने को छूट पूरा बोला हो सकत खाए पिए एक जुआड़ हो जा राजा बुलाए कह बेटी तुम कौन हो क्या नाम है कहे राजन मेरा नाम तो पारावती है राजा बड़ी चौंक गए हाँ
हमारे पतोहुओ का नाम बाणावती, लेकिन ओकर फटी लुगरी वेशभूषा देखकर राजा को विश्वास न हुआ कि ये पतोहु हो सकती है। हमार पतोहु तो राजकुमारी बा। अरे बाबू एन बुढ़िया तुम करती क्या हो? बाणावती सोचे से हम झूठ बोलते हो सकत हमार जुगाड़ कुछ खाए पिए के। कहे बाबू मैं छाड़ थोपी करती हूँ, मैं एक भिखारन हूँ। राजा बोले कहने भिखारन हमारे बेटवा में बाड़ा सुर जो पागल हो गया मगर ओका ठीक कह दिया वो धोखा मुंह मांगा दाम दी। ए पंचो बाणावती सोचे चला ठीक को मारब तीर नहीं तुक्का था आइए बहुत सकत कोई लहान बैठी जाए। पागल खाने का ताला खुला अब बाड़ा सुर कमरा में बा बाबूजी बाणावती भी पहुंची। जब बाणासुर बाणावती को देखता है और बाणावती बाणासुर को देखती है दोनों के आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। रोने लगती है बाणावती की स्वामी यार। बाणासुर के मुख से सबसे पहला यही शब्द निकलता है कि बाणावती मुर्दा ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्रेमा लाभ करोगे, सोने की बिधवा पैदा हुई, बतावा सोने के बेटवा हमार पैदा भागी। तब बाणावती रोकर बताने लगी स्वामी भगवान देहन लेकिन आकाश से गिरा खजूरी पे, बेटवा तो सोने के पैदा भा लेकिन रास्ते में एक सोनारी बदल दिया। रो रोकर कहती है एक लाइन थूक कर आखिर थूक कहना करे जा पार पार के करे जा पार पार हमार लाल सपना हो गए की धरती से और हमारे बड़े ही अजीज मित्र बाबू हरफूल यादव जी कसिया कपूरा की धरती से 154 रुपए का आशीर्वाद अभी हाल में ही आपने कार्यक्रम भी करवाया था। मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ 100 रुपए सबसे खर्च के बने की प्रणाम बाबू
खरीदे रहा, वो कह रहा कि अपनी पत्नी से प्रेमालाप करोगे सोने बेटवा हो, बेटवा भाले की सुनारी पतर देश। पार्वती रोकर कह लेंगे कि मैंने अपने बाबूजी को बहुत मनाया कि एक दिन आपके दामाद जी का आगमन हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी ने एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं दर दर की ठोकर खाकर भटक रही हूँ। वाली को बाबूजी मंत्रियों में बुलवाया। सुनारी सोचे सब मामला गड़बड़ा है, लेकिन हम सोने बटवा ले चाहे जो झूठ बोले। मिजने वाली बुलवाई गई, सुनारा उड़ाए। मिजने वाली से राजा बल कहते हैं कि हे मिजने वाली, तुम सच सच न्याय करना, जितना दान दक्षिणा ही सुना दे एकर 10 गुना हम तोके दे, लेकिन तुम अपनी सच्चाई पर अड़िग रहना। ये बतावा इस सोने वाला लड़का की क्या? आप बाबू एपी सिंह प्रधान जी, जलाऊ भाई ओडीसी कोटेदार रामचंद्र मुलायम भाई सुराय सुराय हुसैना हाई कोर्ट, और कुछ नहीं, बस 100 रुपये। बड़ी लंबी लिस्ट दे दी है यार। अरे बाबू, मिजने वाली कहती है कि हे भगवान, है मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, मैं आज अपना ईमान नहीं खोऊंगी। राजन, जब हम आ जाएंगे लड़कियां करनी जी, तो उनके शरीर से हमारी आपकी तरह मैं निकले, और जब पार्वती के लड़कियां कमीज तो कर संज्ञा से सोना चाहे। इसलिए सोने वाला लड़का बाड़ा महाजनिया एकदम हक्का पक्का हो। अरे बाप रे बाप, सोने का लड़का मिला तो लेकिन फिर चला। महाजनवा राजा बलि के चरण फकीर के भाई के रोवे लगे, राजन मुझे माफ कर दिए, राजन मुझे माफ कर दिया जाए, हमारे मन में लालच बस गए राजन, हम आपसे झूठ न बोले राजन, मुझे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। राजन अगर हमके सजा दे देबा तो हमार पत्नी हमार बेटा कैसे रहे। नालायक ने गलती किया है जो लड़का बदल लिया। आए बाबू, राजा बलि पहले से निपटा लिए कि ऐसी गलती जिंदगी में मत करना, क्यों लड़के बदलते हैं। इसलिए सोने का लड़का जब पारावती पायस, वो लड़का का नाम अस्कंद पड़ा, और उसी अस्कंद से अस्कंद पुराण की रचना हुई है। वही अस्कंद लड़का का नाम अस्कंद पड़ा, अस्कंद से बाबू जी अस्कंद पुराण की रचना हुई। ये हमार पिघारा कवियों की खोज है और कवियों का आशीर्वाद है, जो भी कर दिया जाता है कलाकार समाज में उसको का कर उसका वृत्तांत बनाता है। आखिरी प्रमाण है, और उस लड़के का नाम अस्कंद से अस्कंद पुराण की रचना हुई। गाने में, बजाने में, बोलने में कोई त्रुटि हो गई होगी, अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ कर क्षमा करेंगे। और बिहार जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार अब हमें मोती चाचा जी के नंबर लगाता, बढ़िया बढ़िया गीत आप सबको सुनेंगे। आप परमात्मा कौन सदे बाबू भूगल पहलवान, क्या बात है बाबू जी, छतना की धरती से आप सब के चरण कमल के आशीर्वाद का बाबू, आप मंच में बैठा शान बढ़ाया मंच। अब पहलवान कहा होता है, अब तो
रास्ता मकाई स्टेशन पहुंचे पहले से दम तोड़ दिए। सही बताओ भैया, लेकिन आप सब जवानी 5 लीटर दूध पी के एकदम बस मंजन का गुल्ला कर दिया। हवा तो 1 लीटर पिया तो 7 होता है कृपा लेकिन पर बोल ब्रह्मा 100 रुपया कहना है। अरे स्वर्गिया संगाए गुरुमंडिया, स्वर्गिया संगाए गुरुमंडिया लपंडा कथन किया के फूल चंदमा शारद मई बलिहा और राम लला कैसे सोए कहोई तका वही रात सया तो पर भाई को पकड़ा हो पकड़ा कैसे सोए कहोई हमारे भैया इस कार्यक्रम के अगुआ है।